दोस्तों, आज हमारा इस सीरीज़ का 51वां सत्र है और इस सीरीज़ में आप जैसे जानते हैं कि तरह तरह के टॉपिक्स को हमने लिया है, तरह तरह के विषयों को हमने लिया है, विज्ञान और गणित से जुड़े हुए विषयों को हमने लिया है, एंटरप्रेन्योरशिप से हमने विषय लिए हैं और आगे आने वाले दिनों में भी हम इस तरह के विषयों को उठाते रहेंगे। यह प्रोग्राम चल रहा है, 51 सेशन हो चुके हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली हमारी कोलैबोरेशन में है और हम उनके साथ काम करते हैं और पूरे दुनिया भर से लोग, हिंदुस्तान के लोग हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और अपने अपने अक्सर हमारे पास यहाँ स्टूडियो में भी होते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हैं। दोस्तों, आज जैसा मेरी साथी तन्वी ने बताया कि आज का विषय है पानी, पानी की कहानी। आज मेरे साथ एक बहुत ही फेमस जियोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट हैं। पानी के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बात करते हैं। बायोलॉजिस्ट इसके न्यूट्रिशन वैल्यू और न्यूट्रिशन और एक मीडिया जिसके वजह से जिसके कि पूरे शरीर में हमारे न्यूट्रिशंस पहुंचते हैं उस संदर्भ में बात करते हैं। कुछ तत्व सोशियोलॉजिकल रीजंस के तन्वी ने बताए, पर आज हमारे पास एक जियोलॉजिस्ट हैं जो कि पानी के बारे में हमें दूसरे आयामों के बारे में बताएंगे। इस धरती पर पानी कैसे है, कहाँ कहाँ है, किस तरह से है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपके अभी स्क्रीन पर आएंगे हमारे ईमेल एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर जिस पर कि आप हमें लगातार अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल बताते रहिए, आप और विषय भी बताइए जिस विषय पर आप इस सत्रों को चाहते हैं, इस सत्र में उनका समापन चाहते हैं, आप ज़रूर बताते रहिए। आपके सुझाव हमें बड़ी मदद करते हैं आगे आने वाले सत्रों के लिए। तो मैं प्रोफेसर आहलूवालिया, मेरे सीनियर टीचर प्रोफेसर अरुणदीप आहलूवालिया आज मेरे साथ हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर आहलूवालिया, हम लोग खुश नसीब हैं कि आज हम आपको अपने स्टूडियो में देख पा रहे हैं। प्रोफेसर आहलूवालिया से लगभग एक साल से हम चर्चा में थे कि सर आपको आना है और हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज आपको हम फाइनली देख पाए अपने स्टूडियो में। तो दोस्तों, प्रोफेसर आहलूवालिया इज ए फेमस जियोलॉजिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट। ही वाज सुपरनेटेड फ्रॉम the geology department of Punjab University Chandigarh in 2009. Very senior person with us, but very young. He's very young right now, and he's currently an honorary professor of eminence in environmental sciences at the Shulni University, Solan. We thank Shulni University for collaborating with us in this program. Professor Ahlwalia has been a member of intersectoral national program advisory and monitoring committee, that is PAMC, of National Program of Carbon Sequestration NPCS research programs. Prior to his joining at the Punjab University, Dr. Ahlwalia has been associated with the Geological Survey of India for about a decade in 70s. Dr. Ahlwalia has published several research articles in top-notch international journals and magazines and presented his work in more than 20 countries. He has equally been involved in popularization of environmental programs. Professor Ahlwalia has been writing columns in various magazines and newspapers and conducting awareness sessions across schools, universities and general public. A TEDx session with Professor Ahlwalia is very popular among the scientific community. Geomorphology and Landforms, a popular book, a leisure coffee table book, has been co-authored by Dr. Ahlwalia, is considered to be a rare pictorial and aesthetic feast. With this, Professor Ahlwalia, once again, we welcome you to our studios and it's all yours, sir. मेरी बातचीत अंग्रेजी में भी होगी और हिंदी पंजाबी भी साथ होगी, थोड़ा बहुत तड़का मैं उसमें तेलुगु और बंगला का भी लगाऊंगा। तो बात जो है पानी की है, पानी का गिलास साथ में ना रखे तो कोई ठीक से एक सेशन भी नहीं कंडक्ट कर सकता, बीच बीच में ज़रूरत पड़ती है इसकी। एक बात मैं साफ कर दूं, आई एम नॉट स्पीकिंग एनी रॉकेट साइंस एंड आई एम नॉट स्पीकिंग एज अ जियोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट, आई एम जस्ट स्पीकिंग एज अ सिंपल कंज्यूमर ऑफ वाटर। और यही है हमारे जीवन का आधार, इसके बिना गति नहीं। इवन अगर हमें प्रोटेस्ट करना हो, इवन गांधी जी के ज़माने से जब कोई अनशन होता था
तो अनशन में खाना छोड़ा जाता था, पानी कभी छोड़ा नहीं जाता था। दो दिन से ज़्यादा आप बिना पानी के जी नहीं सकते। तो सीधे से लाग लपेट के बिना शुरू होते हैं। एक देखिए धरती का दृश्य, ये रीडर्स डाइजेस्ट की ग्रेट एटलस से एक शॉट है जिसमें आप देखिए पूरा का पूरा ये ऐसा लगता है कि धरती पूरा पानी पानी ही पानी है, कई दो में तो बहुत। और यहाँ पे भी यह है तो फ्रोजन आइस कैप्स, तीन व्यूज धरती के ऐसे लगते हैं जिनमें लगता पूरी ही पानी। एक इसमें थोड़ा लैंडमास ज़्यादा है, इधर भी है, पर अगेन यू हैव द पोलर आइस कैप्स हैव सो मच एंड एक संस्कृत का वाक्य किसी विद्वान ने अपनी टॉक में दिया था, मेरा जितना इसमें डिस्प्ले मटेरियल है इसमें बहुत कम मेरा है, सोशल मीडिया से बहुत है और मेरे विद्यार्थियों का या मेरे गुरुजनों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और इनफैक्ट इसका टाइटल ही मेरे अपने पीएचडी गाइड प्रोफेसर ओन भार्गव की किताब स्टोरी ऑफ वाटर उन्होंने लिखी थी, तो ये मेरे मन में भी था। तो मैंने ये स्टोरी ऑफ वाटर हर किसी के मन में होता है कि कहानी क्या है पानी के पीछे। तो मुहावरा भी होता है पानी पानी हो गया, या वो एक वो चुल्लू भर पानी वाली भी बात होती है। तो पानी कोई ऐसी बात नहीं होती जहाँ पानी की बात ना हो, और पानी ना हो तो बात आगे चलती नहीं है। इज अ मोस्ट कॉमन बट एसेंशियल सब्सटेंस अब्यूज्ड इग्नोर्ड एंड टेकन फॉर ग्रांटेड, गुजारा है नहीं येट जितना अत्याचार है वो पानी पे है। और पानी पे अत्याचार का मतलब है अपने आप पे अत्याचार, हमारे बच्चों पे अत्याचार और उनके आने वाली पीढ़ी पे अत्याचार। अगर पानी का प्रदूषण, इनफैक्ट सब कहते हैं अभी तो आपने दिखाया कि धरती तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पानी का ही गोला है, है धरती पे पानी की कमी नहीं है, तो कमी काहे की है? कमी है पीने लायक पानी की कमी है, और कमी नहीं है एक्चुअली। जो हमारा पीने लायक पानी तकरीबन 1% जो धरती पे पानी है उसका वही है हमारे पीने के लिए, फ्रेश वाटर उतना की है तकरीबन, हमने उसका भी सत्यानाश कर दिया है। और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जो पानी से बीमारियां जो होती हैं वो नेचुरल पॉल्यूशन के कारण भी पानी में बहुत कुछ होता है जो इंसान को बीमार करता है। और कुछ एक सेलिनियम पोल्यूशन पंजाब में नवा शहर में है जहाँ पे नाखून गिर जाते हैं जो एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करता है। पानी की आवश्यकता खाली ये गिलास में पानी पीने वालों को नहीं, पानी पे अधिकार हर प्राणी का है। हर प्राणी मतलब मैं पेड़ पौधों को भी बिल्कुल प्राणी ही मानेंगे हम, और वही हमारे एक्चुअली जो पेड़ हैं वही हमारे सबसे बड़े वरदान हैं। अगर शुरू में ही बोल देता हूँ जो मोटी बात है, कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी स्लाइड शो में खो के रह जाऊँ और बाद में कहूँ अरे वो बात तो कही नहीं। जितना हमारे यहाँ पे पानी का हिसाब किताब और बारिश का हिसाब किताब बिगड़ रहा है क्योंकि हमने करोड़ों करोड़ों पेड़ काटे हैं, और हमने जहाँ पर हरी भरी घास थी वहाँ पे भी उसको काट के वो पेवर ब्लॉक्स लगा दिए। पता नहीं हमारे को क्या हो गया कि हमने हरियाली से दुश्मनी शुरू कर ली है, और हरियाली के साथ ही बिना जहाँ हरा नहीं है वहाँ पानी बरसता नहीं है। कुछ साल पहले कोई रेडियो प्राइवेट रेडियो ने मुझे कॉल किया, शायद किसी बच्ची ने हमारे परिवार में ही मेरा नंबर दिया था, कि चंडीगढ़ में बारिश नहीं हो रही साहब, बारिश क्यों नहीं हो रही? मेरे मन में आ रहे मैं तो जियोलॉजिस्ट हूँ पैलेंटोलॉजिस्ट हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे? बारिश कभी कभी नहीं होती, कभी हो जाती है। दो चार बार उसने कहा नहीं साहब कुछ तो बोलिए। मैं कहा मैं पूछूं बारिश चंडीगढ़ में क्यों हो, मेरे को तो लगता है हम डिजर्व नहीं करते बारिश। कहती ये क्या कहा साहब आपने? मैं कहा आपने पूरे साउथ चंडीगढ़ में एक कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है, घास काट दी, पेड़ काट दिए ढेर सारे, तो पेड़ होता है घास होती है, हरियाली ही बारिश को अट्रैक्ट करती है। और पूरी दुनिया में बारिश का जो वॉल्यूम है, अभी बता दूं 40,000 क्यूबिक किलोमीटर्स हर साल वो सूर्य देवता की मेहरबानी से
अमृत बरसता है, कोई कमी नहीं भगवान ने छोड़ी, मदर नेचर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर कमी किसने छोड़ी? कमी हमने छोड़ी कि अमृत मिला उसकी इज्जत नहीं करी। वो जो कहा त्यों, क्योंकि हमारे घास कट गई, पेड़ कट गए और पूरा लैंडस्केप से वो जो कहा त्यों जा रहा है वापस समुद्र में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात होती है, पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक खाली चोंचले मात्र के लिए होती है, बड़े बड़े कैंपसेस में नहीं होती, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में नहीं होती। तो जब पानी बरसता है हम उसको वापस धरती के एक्वीफर्स में, एक्वीफर बोलते हैं हम उसको, एक लेयर जिसमें पोरोसिटी काफ़ी रहती है, ऊपर नीचे कैप रॉक रहती है, उसमें पानी एक स्टोर हो जाता है। अंडरग्राउंड स्टोरिंग की भी कैपेसिटी एक लिमिटेड होती है। तो इतना सा परिचय दे के मैं आपको शुरू में ही बता दूं, ये पानी का गिलास जो है ये मैंने खाली पीने के लिए नहीं रखा, ये एक दिल झकझोर देने के लिए रखा है आपको। मेरे वाइस चांसलर साहब ने कहा घर जाते हुए, अरुण वो तुम चंडीगढ़ के 35 सेक्टर के मॉडल स्कूल में थोड़ा बातचीत कर लोगे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कोई टीचर हमारे यहाँ आके थोड़ी एनवायरमेंटल इश्यूज पे बात करें। प्रिंसिपल महोदया ने एक गिलास पानी का मंगवाया और टेबल पे रखा था, मैंने दो घूंट भरी और उसके बाद में वो बोले कि साहब सब बच्चे जो हैं हमने ग्राउंड में बुला लिए हैं, आप ओपन में, दोपहर का धूप थी, गर्मी का मौसम था, कि उनसे बात करिए। तो मैं अपना गिलास साथ लेके चलने लगा तो वो बोले नहीं नहीं इसको ये रहने दीजिए, इसको क्यों ले जा रहे हैं हम आपको वहाँ दे देंगे ना एक और। मैं कहा मैडम क्या बात करती हो आप, ये जो मैंने पी लिया आप या तो इसको उसमें फेंकेंगी वॉश बेसिन में, या तो आप कहिए कि इसको गमले में डाल देंगी तो वहाँ का इस्तेमाल हो जाएगा, पर मैं अभी जो मेरी बातचीत है बच्चों से वो मैं इसी बात से, आपके इस कमेंट से और मेरे इस जवाब से, इसी से शुरू करूँगा। तो मैंने बच्चों को बताया, बच्चों ये मैं गिलास पानी का क्यों साथ लेके आया हूँ आपको ये बताने के लिए, गिलास लीजिए आधा लीजिए, पूरा लीजिए तो पूरा उसको पी लीजिए, और इसको अगर फेंकना पड़े, बहुत पड़ा रह जाए तो किसी गमले में डालिए, किसी पेड़ पे के जड़ में डाल दीजिए, पर गटर में ना डालिए पानी को। पानी अमृत है। यही ये जो मुद्दा, ये जो लिखा है समृद्धि सलिला अधिनय, Prosperity is controlled by water. ये तो अमीरी की बात हो रही है कि affluence कैसे आएगा, सब पानी से आएगा। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो बिना पानी के चलती हो, कोई ऐसा घर नहीं है जो बिना पानी के चलता हो, कोई ऐसा खाना नहीं है जो बिना पानी के उगता हो या पकता हो, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो बिना पानी के आप लेके अपने जिस्म में उसको इस्तेमाल कर सको। और सबसे बढ़िया दवाई क्या है? पानी ही सबसे बढ़िया दवाई है, ताजी हवा और शुद्ध पानी। आंध्र प्रदेश में मेरी नौकरी लगी थी, गगन जी ने बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, आंध्रा में एक आदमी जब पानी मांगता है तो वो कहता है, अब मैं तेलुगु थोड़ी सी बोल लेता हूं, मांछी नीली कावेली मीकू, मांछी मीन्स अच्छा, नीलू पानी, कावेली चाहिए, मुझे पीने वाला पानी चाहिए। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं तो चंडीगढ़ से गया था जहाँ पे पानी फर्स्ट क्लास था, कि ये क्यों कहते हो भाई तुम लोग मांछी नीलू कावेली मीकू। कहते साहब हर जगह पानी पीने लायक नहीं होता है, और मैंने महसूस किया बहुत जगह पे बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, उसका धीरे धीरे करके अभी चर्चा आएगा। पानी, प्रॉस्पेरिटी इज कंट्रोल्ड बाय वाटर इज फाइन, पर जिंदगी पूरी की पूरी जिंदगी पनपी है पानी में, पूरी जिंदगी ही निर्भर है पानी पे। और हम जब पानी का, हमने जो भट्ठा बिठाया है, मैं बिल्कुल शुद्ध भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, जो इसका बेड़ागर्क हमने किया है हमारी, या पॉल्यूशन इसमें है, आने वाली पीढ़ियां, अगली पीढ़ी तड़पेगी पानी को, या बीमार पैदा होगी क्योंकि हमने दूषित कर दिया पानी को, और उसकी अगली पीढ़ी अगर यही हाल चला तो पैदा नहीं होगी। आने वाली पीढ़ियां ये पूछेंगी कि हमारे बुजुर्गों ने आवाज क्यों नहीं उठाई हमारे लिए, हमारा पीने का पानी जो हमारा जीवन का आधार है वो उसका भट्ठा कैसे बैठ गया, वो क्यों नहीं बोले। तो आज मैं अगर अपनी आवाज उठा रहा हूं तो मैं उठा रहा हूं उन बेजुबानों के लिए जो अभी पैदा नहीं हुए। ये बातचीत
खाली हमारे लिए नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए और उनकी अगली पीढ़ी के लिए है, जो बहुत बड़े खतरे में होगी अगर पानी का पोल्यूशन ऐसे ही चलता रहा। ये इसकी बहुत डिटेल बात करने लगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बातचीत एक घंटे में ही कहनी है। तो ये रहा टोटल पानी का हिसाब किताब, और ये रहा इसका ब्रेकअप ग्राउंड वाटर ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, और उसका ब्रेकअप जो है ये रहा आपको झीलों में क्या है, और जो परमाफ्रॉस्ट में परमानेंटली है, नदियों में कितना है, एटमॉस्फेयर में भी बादलों में है पानी, और स्वाम्प्स में जो वो दलदल है उसमें कितना है, सॉयल का मॉइस्चर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कुछ इनफैक्ट पानी का मुद्दा जो है एक्टिविस्ट ने इतना बढ़िया कर दिया है कि आजकल एक इंडस्ट्री चल पड़ी है तकरीबन गिविंग स्लोगन्स ऑन वाटर कंजर्वेशन। इसको कह दूं, जल ही जीवन, जल सा जीवन, जल्दी जल जाओगे, अगर ना बची जल की बूंदें कैसे प्यास बुझाओगे, नाती पोते खड़े रहेंगे जल राशन की कतारों में, पानी पर बिछेंगी लाशें लाखों और हजारों में, रिश्ते नाते पीछे होंगे, जल की होगी मारामारी, रुपयों में भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी, हनन करेंगे शक्तिशाली नदियों के अधिकारों का, सारे जल पर कब्जा होगा बहुबली मक्कारों का। बचपन में मैं पटियाले से आया था यहां पे चंडीगढ़ में, 24 घंटे पानी आता था, एक आधुनिक शहर है, आज की तारीख में दो बार आता है, अभी प्रेशर है कि 24 घंटे का कीजिए, बिकॉज स्मार्ट सिटी है, फ्रेंच वो एड है कंडीशनल टू गिविंग 24 आवर वाटर सप्लाई। हम बाहर में चांद पे, मार्स पे, जुपिटर में, कॉमेट्स में, इंटरस्टेलर क्लाउड्स में पानी के एविडेंसेस देखते हैं, देखना चाहिए, विज्ञान का तकाजा है। धरती पे पानी कितना है ये थोड़ा सा इसका हिसाब किताब चलता रहता है, इस पे बातचीत चलती रहती है। फॉसिल वाटर है जो बहुत करोड़ों साल से अटका है कहीं, वो हमें एक्सेसिबल नहीं है। वाटर सर्कुलेट्स ऑल ओवर एटमॉस्फेयर, जियोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये सूर्य देवता की मेहरबानी से होता है, सब कुछ ही सूर्य देवता की मेहरबानी से होता है। 1% ऑफ द टोटल नियरली इज अवेलेबल फॉर ह्यूमंस एंड अदर लैंड ड्वेलर्स हु शेयर इट विद अस। पर हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे धरती तो हमारे पिताजी की है और वो जो दूसरे हैं वो फालतू हैं, उनके बिना हमारा गुजारा नहीं है और हमारा उनके बिना गुजारा नहीं है और उनका भी हमारे बिना गुजारा नहीं। ये हम प्लैनेट को शेयर करते हैं और प्लैनेट को शेयर करने का मतलब है ये पानी का रिसोर्स हम सबका रिसोर्स है, साझा रिसोर्स है। ट्रेजेडी क्या है, हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी इज विदाउट गुड सैनिटेशन एंड सो मेनी लिविंग बींग्स डाई विदाउट वाटर और बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर्स इज द कर्स वी आर लिविंग विद। अगर धरती की कहानी संक्षेप में कहूं, तकरीबन 400 करोड़ साल की 4 बिलियन ईयर्स की कहानी है। शुरू में इसी लेवल पे तकरीबन, जब शुरू में तो मामला काफी गर्मा गर्म था ना, 70 करोड़ साल के या 60 करोड़ साल का, तो पानी पूरी धरती पे आ गया था। कैसे आया था इस पे बहस चलती रहेगी, पर पानी से धरती भरी थी। और मार्स की बात होती है, हम वहां भी जो पानी वाली फीचर देखते हैं तो कहते हैं यहां पानी था या कहीं पे कि यहां हवा थी। पर मुद्दा यह है, हम ये इस पे फिक्र करते हैं कहीं हमारा पानी भी तो गायब नहीं हो जाएगा। अभी हम सुन रहे हैं उत्तराखंड में कुछ एक्वीफर्स के बारे में कहने लगे कि साहब ये जो हैं एक्वीफर्स पंक्चर हो गए हैं, उनका सारा पानी निकल गया है, तो ये हो सकता है कि हमारा पानी गायब हो जाए, उसके लिए हम तैयार रहें। पर इस वक्त तो पानी, हमारा पीने वाला पानी जो है वो नष्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। शुरू में यूनिसेलुलर लाइफ थी और फिर बाद में लैंड प्लांट्स आए, कोल डिपॉजिट्स हुए, स्वम्पी फॉरेस्ट थे वगैरह वगैरह, एंड लाइफ केम टू ब्रिंक कपल ऑफ टाइम्स व्हेन फायर्स एंड फ्यूरी रेन ऑल ओवर ड्यू टू कॉस्मिक एंड वोल्केनिक रीजंस। ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इवोल्व एंड री इवोल्व, माउंटेन्स केम अप
and were weathered down, monsoons came and dwindled. मॉनसून की कहानी मैं फटाफट आपको दिखा दूं. तकरीबन हमारे मॉनसून की तो बात कर लें, तकरीबन 53 मिलियन ईयर्स बैक, 5.3 करोड़ साल पहले ये हिमालय का टकराव तिब्बत से शुरू हुआ और इंडिया का, और हिमालय थोड़ा थोड़ा करके बनने शुरू हुआ. और तकरीबन 10 मिलियन ईयर्स बैक, 12-13-15 के करीब मिलियन ईयर्स बैक, हिमालय रोज टू द करंट हाइट्स एंड मॉनसून्स वर इन फुल ब्लूम. और पूरी की पूरी कहानी हमारे पास और दुनिया भर में ऐसे ही मॉनसून टाइप रेन्स का चलन हुआ. पर हमने लास्ट 200 साल में आधे धरती के पेड़ धरती को बर्बाद कर दिया है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जरूरी था, पर उसके साथ में जो हमें मिला है वो पाप है. आप पानी की अगर इंपॉर्टेंस देखनी है, आप देखिए मेजर साइंस प्रोग्राम्स लिस्टेड बाय यूएनओ, उसमें ग्राउंड वाटर रिजर्वायर फॉर द थर्स्टी प्लैनेट, दिस इज द टॉप लिस्टेड. मैं ये नहीं कह रहा कि प्रायोरिटी से लिस्ट किया होगा, पर जिसने भी लिस्ट किया उसने सबसे ऊपर पानी को रखा, नंबर दो पे हैजर्ड्स को रखा. मैं एक्चुअली गगन को अब टाइटल हैजर्ड्स का दे रहा था, इन्होंने बोला नहीं पहले पानी पे बोलिए. तो आई होप ये हैजर्ड्स वाली मेरी बातचीत भी कभी ना कभी करवाएंगे. लाइन आजकल इनके पास बड़ी लंबी है, मुझे बड़ा इंतजार करना होगा अपनी हैजर्ड्स की टॉक देने को. ये एक समरी, एक स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट. 7.771 मिलियन पीपल लैक एक्सेस टू सेफ वाटर, सुरक्षित पानी नहीं है उपलब्ध उनको. और हर 2 मिनट में एक बच्चा पानी से रिलेटेड बीमारी से मरता है. और 1.7 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू इंप्रूव्ड सैनिटेशन, नहाने को नहीं है ठीक से, अपना घर साफ करने को नहीं है. और थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ चाइल्ड डेथ इज डायरिया. बाय 2025 50% of world's population is projected to live in water-stressed areas as a result of climate change, with low-income families bearing the greatest brunt of the crisis. ये मुद्दे इसमें summarized हैं. अब चलें water pollutants. ये acknowledgement जहां भी है, मैंने ये डॉक्टर दत्ता बहुत famous पानी के विशेषज्ञ हैं. Inorganic antimony, arsenic, barium, beryllium, cadmium, chloride, chromium, copper, cyanide, fluoride, lead, manganese, etc., etc. Then organic pollutants, volatile organic compounds, pesticides, plasticizers, chlorinated solvents, benzopyrene, microbiological coliform bacteria, radiological, gross alpha particle activity, etc., etc. Gagan ji iske bare mein jyada jante hain, hum to khali sunte hain. अब ये एक तस्वीर हर किसी के दिल को हिला देगी. ये वाला जो पोल्यूशन है, जिस इस पोल्यूशन से जो हुआ है इन सब की टांगों को या स्किन को या पाँव को या फेस को या पाँव को, ये सब की सब, ये एक फील्ड है मेडिकल जियोलॉजी. मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं. इनफैक्ट मैं किसी भी चीज का विशेषज्ञ नहीं. मुझसे कोई पूछता है तो आप स्पेशलिस्ट किसके हैं, आई से आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नथिंग. अब तो बुढ़ापा है तो पॉपुलर लेक्चर्स देने हैं तो हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. और दूसरे जो पोल्यूशन है ये रहा वो फ्लोरसिक. मैंने आंध्रा में 3 साल ऐसे एरिया में काम किया है जहां पर फ्लोरोसिस था. उसमें पानी में फ्लोरिन की मात्रा थी, उसके कारण ये दांत का हिसाब किताब बिगड़ रहा था, हड्डियां टेढ़ी हो रही थी. तो हम लोग बहुत भयभीत थे कि यहां पे 6 महीने काटने हैं, तंबू में रहना है, पानी तो कुएं का ही पीना है. हम क्योंकि जियोलॉजिस्ट हैं, हमने धीरे धीरे करके आइडिया लगाया कि फ्लोराइट मिनरल से जो पिंक ग्रेनाइट में था वहां से इसमें पानी में फ्लोरिन आ रही है. और जो काली वाली चट्टान थी हम उसको टेक्निकली गैब्रो बोलते थे. अब जनता को संभालना था. एक इनफैक्ट डीसी ने हमसे पूछा कि ये क्यों है, तो उस पहले साल तो हम अंदाजा ही कर सकते थे. हमने ऐसे बोला कि शायद उससे आ रहा है, तो हम आपको एडवाइस करेंगे जो कुआं आपका काली चट्टान में है पानी उसका पीजिए, और कॉन्टेक्ट से थोड़ा दूर वाला. तो जो पिंक जो ग्रेनाइट में है
वो वाला शायद आपको दे रहा है। अगले साल वो कंफर्म हो गया और 74 में एक वहाँ मीटिंग थी फ्लोरेसिस पे, जहाँ पे हमारा वो रिसर्च पेपर पानी के एनालिसिस के साथ छपा। पर अब सेलेनियम आ गया और इवन पंजाब में यूरेनियम की बात होती है, यूरेनियम कहाँ से आया है, रॉक से आया है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय से एंड प्रोडक्ट से आया, वो सब पे बहस चलती है। पर मुद्दा ये है, इस पॉल्यूशन को हमें समझ के इससे छुटकारा पाना है। और जनता अब इतनी जागरूक है कि ये देखिए एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज कर रहे हैं लोग टैनरीज के, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री वाले इनटू द रिवरलेट। एंड पंजाब का ये पुरानी एक न्यूज कटिंग है जिसमें 25 गांव के लोगों ने कहा कि हम पानी में जो पोल्यूशन है इसके प्रोटेस्ट में हम वोट नहीं डालेंगे, अगर आप हमें इस पाप से, लोगों के इस पाप से हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हम किसी को भी वोट नहीं दे रहे, ये हमारा प्रोटेस्ट है। मैंने बच्चों को ये कहते सुना है इंस्पायर कैंप में, जो हमारी ऑडियंस थी पंजाब से, कह जी की करिए सर जी, साढ़े खुआ च पानी पाता उन्होंने पोल्यूशन वाला, हूँ असं किधर जाइए, वो ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो गया जी, उन्होंने उत्तों सुटिया थले चला गया माड़ा माड़ा करके। ओनली सोल्यूशन टू पोल्यूशन इज डायल्यूशन। अब डायल्यूशन क्या होती है, भगवान बरसाता है ऊपर से तो वो धीरे धीरे करके जब पानी नीचे चला जाएगा तो वो पोल्यूशन कम हो जाएगा। वो पोल्यूशन कम कैसे होगा, क्योंकि डालने वाले वो पापी तो चौड़े होकर घूम रहे हैं। मैंने देखा है पटियाले से चंडीगढ़ आते हुए एक लेक्चर देखे कि रास्ते में किसी ने अपना वो पोल्यूशन का जो पूरा टैंकर जो था किसी के खेत में छोड़ रखा था। तो हमें आदत है जियोलॉजिस्टों को, और आजकल तो सभी, मेरे पास तो कैमरा था, आजकल तो फोन से खींचते रहते, तो आई वॉन्टेड टू क्लिक ए पिक्चर ऑफ दैट गाय कि ये खेत में डाला जहर को। तो मेरे साथ जो जिन्होंने मेरा लेक्चर अरेंज किया था, इसे ना खींचिए, यू कैन बी अटैक्ड। इमेजिन एक साइंटिस्ट जो पोल्यूशन की तरफ उंगली उठा रहा है, उसको ये कहा जा रहा है भैया तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, जरा बचना। पोल्यूशन करने वालों में ताकत है, जनता में ताकत क्यों नहीं है? तो हम जनता को भी आज के इस टॉक के माध्यम से कहेंगे, पोल्यूशन के खिलाफ आप आवाज उठाइए, और सबसे बड़ी आवाज होती है वोट। वोट के टाइम पे यही अमीर लोग जो पोल्यूशन आपके नदियों में, नालों में, खेतों में फेंकते हैं, जब ये वोट मांगने आए तो इनको कहिए कि साहब हमें आपकी शक्ल नहीं देखनी, हम आपको ये ताकत आपसे लेते हैं, लेके रहेंगे। क्योंकि ये नहीं चलेगा कि हम डर डर के जिएंगे, हमारा पानी पोल्यूटेड है, हमारी एयर पोल्यूटेड है, और हम बदनाम हो गए दुनिया भर में। अभी मैं दिखाऊंगा एक नक्शा हिंदुस्तान का, जो दुनिया के ये एफ्लुएंट और एफ्लुएंट्स में देखिए ए और ई का फर्क है। एफ्लुएंस इज अमीरी और एफ्लुएंट नरक है, जिंदगी बिल्कुल हराम है। इसके कारण नदियां जो हैं ये एफ्लुएंट्स की नदियां बन गई हैं, पूरे नदियों में। इनफैक्ट हमारी वो सभ्यता है जो पहाड़ों को, नदियों को, झीलों को पूजने वाली सभ्यता है, इसमें कोई शक नहीं, हम बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से उस कुदरत की हम पूजा करते रहे। आज की तारीख में हम लोग कहते हैं हम इस नदी को साफ करेंगे, उस नदी को साफ करेंगे, पर हम सफल नहीं हो रहे। क्यों नहीं हम सफल हो रहे? हर सरकार इलेक्शन लड़ती है नदियां को साफ करने, क्यों? वो जो चोर हैं हमारे, पापी हैं जो हमारे समाज के लोग जो उसमें पोल्यूशन छोड़ रहे हैं, वो उनको जनता ने पकड़ना है, उनको जनता ने एक्सपोज करना है। इससे उपचार हमेशा बातचीत से और अवेयरनेस से होगा। आज की बातचीत का मुद्दा यह है आपको ताकतवर बनाना, एक आउटरीच है आपको एम्पावर करना। और जब हमारे बच्चे, ये मैं खास तौर पे इस टॉक को स्कूल के बच्चों के लिए है, तो मैं बच्चों को कहूंगा, हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज इज पावर, एंड वंस यू हैव दिस नॉलेज यूज इट टू एजुकेट योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड द एंटायर विलेज। लेट द अवेयरनेस स्टार्ट फ्रॉम ए विलेज पंचायत लेवल एंड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये बर्दाश्त नहीं होगा कि जो जीवन का आधार है उसको आप बर्बाद कर दो। तो इसको ये कोई एकेडमिक एक्सरसाइज या खाली नारेबाजी ना समझा जाए। पानी को बर्बादी और हवा की बर्बादी सारी, हमारा देश तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, एक स्पेस पावर हैं, और एक आईटी जायंट हैं, स्पोर्ट्स में भी अब तो हम खरे खासे उठने लगे हैं,
डेमोक्रेसी में हम तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो उस डेमोक्रेसी में हमें अपनी आवाज जनता की इस ज्ञान के जरिए बढ़ानी है और जहां जहां पहुंचानी है। ये पूरे दुनिया, ये एक बहुत विद्वान एडविन पॉटर, ये सिनसिनेटी में है, इनकी किताब से रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरी नदियां दुनिया की मैंने इसमें लगाई हैं, इसलिए कि बाकी जगह पॉपुलेशन कम है और जो भी है हमारी नदियां सारी की सारी, खास तौर पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो हमारे पड़ोसियों में और हमें कोई फर्क नहीं है, हम सारे एक ही टाइप के, कुछ हमारी समझ मारी गई है, मत मारी गई हमारी कि हम इसको बर्दाश्त करते हैं और ये होने देते हैं, और ऐसा नहीं था पहले। एक ही मिला हमारा दोस्त, बहुत इट्स अ पैराडॉक्स कि हम जो ना कर पाए इतने इतने बजट के बावजूद, वो 2-2.5 साल पहले, वो जो जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, जिसने वेबिनार शुरू कराए, जी जी जी, सी के वाशने, उस नहीं सर, वाशने साहब का नाम ना लीजिए, मैं तो वायरस की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो कोविड ने वो कर दिखाया कि हम तो पिंजरे में आ गए और हमारे वो मित्र जो थे देहरादून ऋषिकेश की सड़कों पर घूम रहे थे और पक्षी बिचौड़े के कह रहे थे, अरे अरे वो पोल्यूशन करने वाला बेवकूफ इंसान। इनफैक्ट मैं अक्सर ये बात कहता हूं, थोड़ा कड़वा लगता है, कि इंसान सबसे बेवकूफ जानवर है इस प्लेनेट पे, बाकी सब बड़े समझदार हैं। तो ये नदियों को हम देख लें, अपनी नदियों को, या एक थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूं सिर्फ, ये वेटलैंड जो है, झील और दूसरी जो जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा है उसको वेटलैंड कहते हैं, इनके बहुत सारे इकोलॉजिकल फंक्शंस हैं, और जहां पे आपको वेजिटेशन ज्यादा दिखती है समझ लीजिए वो जमीन में नमी अच्छी है, और उस वो जो पानी है वहां से धीरे धीरे करके जाता है, ये जो टेबल के नीचे में पूरा का पूरा जोन सेचुरेट हो जाता है ग्राउंड वाटर से, उसको ये टॉप के लेवल को ये वाटर टेबल बोलते हैं, पर टेबल जैसा फ्लैट नहीं होता, ये इसका भी एक टोपोग्राफी होगी, तो जहां पे पूरा का पूरा या ये सरफेस पे आ जाएगा, तो ग्राउंड और नीचे ये सेचुरेटेड जोन का जो नीचे वाला है उसके नीचे में इंपरवियस है, जहां पे पोरोसिटी कम है, और इसमें पोरोसिटी है पर ऊपर में फिर एक लेयर है जहां से ये आया है, अगर नीचे वाला लेयर ना होगा ऐसा जिसमें ये पोरोसिटी जो इसमें दिख रही, या तो क्रैक्स हैं या ग्रेन की तो ये सारा का सारा ये जोन एक्ट्स एज अ वाटर फिल्टर प्योरिफिकेशन। हम अच्छा खासा नलके से पानी पी लेते थे जब हम पटियाला में पढ़ते थे या चंडीगढ़ में भी आए थे, स्कूल में कोई ये आरओ शारो थोड़े लगे होते थे, आजकल एक्चुअली इतना अंधाधुंध हम ये आरओ का इस्तेमाल करते हैं, चंडीगढ़ जैसे शहर में जहां पे कोई बायोलॉजिकल इंप्योरिटी के लिए तो फिल्टर लगाइए, केमिकल इंप्योरिटी कोई पानी में है ही नहीं, फिर भी हम वहां पे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितना सारा पानी हम वेस्ट कर रहे हैं एक थॉटलेस फिल्ट्रेशन में पानी की, जिसकी जरूरत नहीं है। सो थोड़ा सोच समझ के चलें, पानी पीने वाले पानी की एक लिमिट है, हम उसको ठीक से इस्तेमाल करें, फिल्टर उतना ही करें जितनी जरूरत है, और जो मैंने बोला गिलास उतना ही भरें, और 2-4 बातें इकट्ठी बोल दूं, शावर से हम नहाते हैं खासतौर पे अगर गीजर के साथ जुड़ा है तो कहते हैं शुरू में जरा चला लेना 5 मिनट के लिए, वो खुले चलने देना फिर गर्म निकलेगा, उसके बाद में फिर मिक्सर चलाना, अरे कितनी बड़ी बेवकूफी है, अगर आपने मिक्स करना है तो नलका चलाइए ना, बाल्टी भर लीजिए, वो शुरू में ठंडा आएगा बाद में गर्म आएगा, आपके नहाने लायक हो जाएगा, आधी बाल्टी में खरा खासा बंदा या पौनी बाल्टी में नहा लेता है, और अगर शावर चलाते हैं तो मेरे ख्याल से अब 5 या 10 बाल्टियां वेस्ट करते हैं। जितना पानी हम गटर में डालते हैं, हमें चंडीगढ़ में तो इतनी दिक्कत नहीं है, पर अगर किसी का दर्द समझना हो तो राजस्थान का समझिए, अरे बड़े किसी अमीर का सुन, इवन स्पेस में जो आदमी जाता है वो क्या क्या रिसाइकलिंग और पानी की करता है टू सर्वाइव। तो पानी, ये पोस्टर्स गगन जी जरा इधर देखिए ना, श्योर सर, ये विज्ञान प्रसार एक संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, साइंस कम्युनिकेशन काउंसिल, ये सभी बच्चों से कहूंगा कि विज्ञान प्रसार की साइट पे जाइए, और ये इसमें जो वाटरमार्क दिख रहा है आपको विज्ञान प्रसार, ग्राउंड वाटर का पूरा जानकारी एक पोस्टर में है, नदियों की पूरी जानकारी इसमें एक में है, इसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, इसको सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर मैंने थोड़ी सी चिंगारी जलाई है
और आपकी जिज्ञासा जगाई है तो पूरा ज्ञान आप इससे प्राप्त करिए। हमें कुछ थोड़ी बातें और आपसे कहनी है। आज पूरा पढ़ाने नहीं आए हैं, हम आपको थोड़ा सा मजा करवाने आए हैं, थोड़ा सा आपको ये एहसास दिलवाने आए हैं कि आप में ज्ञान होगा, आप में ये विज्ञान होगा, आपकी पूरे परिवार की हर जनरेशन एवरी लिटरेसी लेवल विल बी एम्पावर्ड। और जो जिसको बोलते पैनेसिया, सारी बीमारी की एक ही इलाज है, ज्ञान, विज्ञान, जन चेतना, बातचीत। तो इसलिए बातचीत अंग्रेजी के माध्यम से खाली, इनफैक्ट एनसीईआरटी के कैंपस में मैंने बहुत बढ़िया चीज लिखी देखी कि सबसे बढ़िया और आसान लैंग्वेज हमारे हिंदुस्तान में हिंदी है। मैं हिंदी भी वो बोली चाली वाली हिंदुस्तानी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, उसी में अंग्रेजी भी आती है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मुद्दा है, इसके लिए फंड्स मिलते हैं हाउसिंग सोसाइटीज को और स्कूल के कैंपसेस को, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस को। एनसीईआरटी में क्या आपके यहाँ रेन वाटर? Yes, we have. है, सो दे हैव। बट बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज में अब जाके हमारे चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी और पीजीआई में अभी रिसेंटली टर्शरी वाटर मिला है। इमेजिन, टर्शरी वाटर का आपके पास प्लांट है पर फिर भी आप पीने वाले पानी से इरिगेशन कर रहे हो गमलों की और लॉन्स की। और ये देखिए, इधर में तो रेन वाटर एक्वीफर में जा रहा है और इधर में स्टोर हो रहा है। मैंने हिमाचल में काम किया है, इनफैक्ट पूरी जिंदगी तकरीबन हिमाचल में और उत्तराखंड में ही काम किया है। वहां पर एक इलेक्शन होता था जहां चीफ मिनिस्टर साहब को पानी वाला बाबा बोलते थे, शांता प्रकाश, वो इतने मशहूर हैं, उनका नाम हम भूल जाते हैं पर ये उनका काम नहीं भूलते, शांता कुमार। और वो वेटरन थे और वो 4-4 किलोमीटर एक गृहिणी पानी ला रही है पीने वाला। हमें घर बैठे क्योंकि नलके से पानी मिल रहा है तो हमको वो दर्द नहीं महसूस किसी गृहिणी का। इसमें कुछ पढ़ा नहीं जाएगा इस स्लाइड पे, बट ये एक जानकारी के माध्यम से ये पूरी की पूरी पीपीटी अवेलेबल होगी सभी बच्चों को और वो इसको डिटेल में देख पाएंगे। हमारा काम सिर्फ ये ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, ये सब कुछ, ये भी ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल नेटवर्क से है और ये इस ऑल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। अब रही वो बात जो मैंने कही थी, हमारे सभ्यता में और हमारी प्राचीन लिटरेचर में क्या क्या पानी पे कहा गया है। आज मैंने 3 बड़े महान लोगों की कोट्स जो हैं इसमें डाली हैं। गगन जी सर, आप लोग जरा इस जरा सुनिए, ये लोग ना अभी अपने कुछ सरकारी काम में लगे हुए, इनको मैंने कहना है भाई मेरी बात अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो क्या सुनेंगे। नहीं नहीं सर, आपका वर्ड मेरे अंदर है आपका। तो जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। ये कबीर का, कबीर मेरे लिए बहुत अहम है। मेरा पोता 7 साल का है तो उसका नाम कबीर है, तो मैं उसका एक पोस्टर भी मैंने बनाया हुआ कहीं इसमें लगा रखा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। गुरु नानक देव जी ने गुरबानी में एक पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत, गुरु नानक ने पानी को पिता बोला है। और आप देखिए ये है हमारी सभ्यता, और हम आज भी ये सब कुछ पढ़ाते हैं, जपते हैं, इस वाणी को जपते हैं, पर फिर भी हम लुधियाना में इतना पोल्यूशन फेंकते हैं नदी नालों में कि ग्राउंड वाटर तक वो पहुंच जाता है। हिंदुस्तान की ग्राउंड वाटर रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी सी बात कह दूं, इंडिया की एवरेज रेनफॉल जो है 1100 mm है, ग्लोबल 700 mm है, फिर भी हमारे इलाकों कई ऐसे हैं जो सूखे रहते हैं और वहां हमारा किसान रेन पे डिपेंड करता है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स भी नीचे जा रहा है और खुदकशी करता है। वी सफर रेकरेंट ड्राउट्स, वेदर वेगरीज, पोल्यूशन एंड वेस्टेज। एज पर नीति आयोग,
600 million people face high to extreme water stress and lack water security. Nearly one-fifth of the country is arid to semi-arid, drought-prone, and suffers endemic water scarcity. 60% of our area is rain-fed and unirrigated dry land. तो किस चीज की आवश्यकता है? जब बारिश तो इवन राजस्थान में कम होती है, पर इतनी होती है कि सबके लिए ठीक है, गुजारा चलता है. उनको पुराने जमाने से अकल है. जब अरावली कभी हिमालय जितनी ऊंची होती थी, वहां मानसून होता था. अरावली टूटते टूटते नीचे आ गई तो वहां पे मानसून नहीं, तो पानी तो अभी भी इतना है, काफी है. पर क्योंकि किसी के पास कमी होती है तो उसको ये समझ होती है, उसको उस पानी की वैल्यू होती है. तो जितना हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज्यादा उसको बढ़ावा देंगे, उतना ही हमारा ये जो अनइक्वल रेनफॉल या अनइक्वल वाटर अवेलेबिलिटी है देश में, वो कमती हो जाएगी. वो जो कष्ट है वो घट जाएगा. पर फिर दोबारा बोलता हूं, सबसे बड़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कौन है? कुदरत. पेड़ ना काटिए, किसी भी हालत में पेड़ ना काटिए, और पेड़ ब्लॉक्स लगा लगा के हरी भरी घास का भट्ठा ना बिठाइए. छोटे छोटे पौधे हम लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, अखबार में डाल देते हैं और पोस्टर बन जाते हैं स्कूल में, एनवायरमेंट डे पे वगैरह वगैरह, और छुट्टी हो जाती है. अगर माँ बाप बच्चे को पैदा करके उसको पालते हैं, तो जब आप एक सैपलिंग लगाते हैं, उस सैपलिंग को पालिए, उसको अपना बनाइए, उसको एक जिगर का टुकड़ा समझिए, एक परिवार का सदस्य समझिए. अगर हम पेड़ों की पूजा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पेड़ हटाएंगे तभी जब बहुत बहुत जरूरी होगा, पर एक पेड़ ट्रांसप्लांट हो सके तो कुछ भी करेंगे हम अपनी ये जड़ें जो है मिट्टी की, इसमें जितना भी बायोटा है उसको बचा के रखेंगे, तभी रेन वाटर कुदरत जो करती है, कुदरत की मदद करें, कुदरत के दुश्मन ना बने. कुदरत के दुश्मनी का मतलब है अपने पांव पे कुल्हाड़ी. ये देखिए, ये मैंने ब्लू सर्कल लगाया, ये हिंदुस्तान की वाटर स्ट्रेस. आप देखिए पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक ही हाल है. ये 1947 में जो मर्जी हो, हमें तीनों चारों एक से ही हैं, कोई खास फर्क नहीं हमें. ये वाला वाटर स्ट्रेस देखिए आप, और इसका इलाज क्या है? पेड़ लगाओ और वाटर कंजर्वेशन थ्रू नेचर. ये वाटर स्टेटस है हमारे हिंदुस्तान का. इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की बात नहीं, सिर्फ आपको आइडिया हो कि हाइड्रोलॉजिकल मैप होता है, रेनफॉल मैप होता है. तो इसकी चर्चा धीरे धीरे करके चलती रहेगी. आज चर्चा की शुरुआत है, चर्चा का अंत नहीं है. ये हमारे घर के कबीर का पोस्टर है. तो ये सब कुछ आप देख, ए ड्रिपिंग टैप वेस्ट अप टू 5500 लीटर्स ऑफ वाटर इन ए ईयर. हम कहते क्या हो गया, और किसी से भी कहिए, अरे क्या कहते, मेरे को कई लोग बोलते हैं, अरे तुम तो आधे गिलास पानी का क्या ड्रामा करते हो, इसे क्या होता है? मैं कहा भैया इसी से सब कुछ होता है. अगर ड्रिपिंग वाटर से आप कहते हो 5500 लीटर्स वेस्ट होता है साल में, तो इससे तो बहुत कुछ होता होगा. शावर की जगह बाल्टी से बहुत कुछ होता है. इनफैक्ट हर बूंद की कीमत है, हर बूंद जीवन के लिए जरूरी है, उसको बचाना. ये रही हरियाणा में 11 डिस्ट्रिक्ट फेल ड्रिंकिंग वाटर टेस्ट. ये खबर एक दिन छप के रह जाती है, जनता पूछती क्यों नहीं हमारा पीने का पानी पीने लायक क्यों नहीं है. आप तो नेता लोगों, बड़े बड़े अफसर लोगों, आप तो मिनरल वाटर पी लोगे, पर मैं उनको कई बार बोलता हूं, वो जो मिनरल वाटर पीने वाले हैं, भगवान की दया से यहां पे कोई प्लास्टिक की बोतल नहीं रखी, ये शीशे के ग्लास में पानी रखा है. अक्सर वो प्लास्टिक की बोतलें दी जाती है ना बड़े बड़े वीआईपी को, प्लास्टिक की बोतल में वो घटिया पुअर क्वालिटी प्लास्टिक है, वो उसके अंदर लीच करता है और वो पॉइजन है. तो अमीरों समझ लो, आप जो मिनरल वाटर पी के बड़े चौड़े हो गए, अरे हम तो ठीक भी हैं, गरीब पिए जो पिए वो उनका वाटर फेल हो गया तो हो गया, हमारा तो ठीक है. उसका वाटर ठीक नहीं है, जो मिनरल वाटर पी रहा है वो तो उसका तो बिल्कुल ही भट्टा बैठ गया. 80% ऑफ ऑल वर्ल्ड्स वेस्ट वाटर फ्लोज बैक इन टू द रिवर एंड ओशन विदाउट बींग ट्रीटेड. कुछ इलाज करना होगा, हमको जगना होगा, ये नहीं चल सकता. ये चला,
एक विद्वान आए थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, हमारी यूनिवर्सिटी में इंस्पायर कैंप में नोबेल लॉरेट थे रोजर कॉर्नबर्ग। बच्चों ने मुझे कहा कि साहब हमने सिख सवाल पूछना है। वो अंग्रेजी में थोड़ी हाथ तंग था तो घबरा रहे थे। मैंने कहा मैं पूछ देता हूँ। आई सेड द किड्स वांट टू नो, अगर पोल्यूशन ऐसे ही चलता रहा तो इंसान कब तक रहेगा ठीक ठाक से। ही सेड माइक्रोब्स आर मोर स्टबर्न, मैन इज वेरी सेंसिटिव। अगर यही पोल्यूशन का हाल रहा एयर और वाटर का, 100 साल से ज़्यादा मैं इंसान को नहीं देता हूँ। ये खाली एक एकेडमिक वार्निंग बाय अ प्रोफेसर ना समझिए। ही सेड अगर रेट बढ़ गया तो मैं 100 को नीचे घटा दूंगा। मान लीजिए कि वो शायद गलत हो, एज एन अबंडेंट कॉशन लेट्स वर्क अगेंस्ट पोल्यूशन, लेट्स वर्क अगेंस्ट वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। ये कई लोग ये पानी की बोतल के बारे में जो मैंने बोला कहते नहीं नहीं कोई प्रूवन नहीं है ये कि इससे कोई नुकसान होता है, पीते रहिए ज्यादा बहुत स्लो होता है, इतनी जल्दी नहीं मरोगे। ये दिखाया है, ये गार्जियन में छपी खबर है, माइक्रो प्लास्टिक्स ये बोतल से जो मदर अपने बच्चों को पिला रही हैं, इवन अच्छी क्वालिटी की बोतल से, वो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में भी आ गया है और ये माँ के दूध में पोल्यूशन चला गया है। आप देखिए जो वाटर पोल्यूशन घूम घाम के एक नवजात बच्चे के खून में गया, उसकी माँ के दूध में गया, कहाँ आ गए हम? हम तो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के, अगर पूरी धरती का इतिहास 1 घंटे का है तो हम 2 सेकंड पहले आए। 400 करोड़ साल की जगह अगर 1 घंटा लगा लिए 2 सेकंड पहले आए, वो आदि मानव तब से, और एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड हम बचने वाले नहीं हैं। मारेगा कौन? ये पानी का पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। ये वो उस दिन की बात है जब मुझे किसी संवाददाता ने पूछा कि साहब अब क्या कर रहे हैं पानी से, कि आपसे कुछ बातचीत करनी है। ये तो पानी के विद्वान थे। मैंने कहा मैं तो खाली कंज्यूमर हूं और इस वक्त मैं खड़ा हूं अपने लॉन में पानी दे रहा हूं और मैं पीने के पानी को वेस्ट कर रहा हूं, मुझे बड़ा खराब लग रहा है। टर्शरी वाटर आ जाएगा तो इट विल बी मच बेटर। टर्शरी वाटर कैन बी अ सॉल्यूशन। वो कहते साहब वो बदबू मारता, पर कहते हैं वो फर्टाइल होता है, उसकी बदबू को भूल जाइए, आप पीने वाले पानी को बचाइए। और एक और फटाफट बोल दूं, चंडीगढ़ शहर की एक एग्जाम्पल है, बाकी शहर में भी ऐसे होगा। हमारे पास कैनाल वाटर पीने का आ गया, पंजाब से आया, और मोहाली और पंचकुला में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पर हमारे जो 350-400 ट्यूबवेल चल रहे थे, जबकि हमारे पास पूरी सप्लाई कैनाल से आ रही है, वो ट्यूबवेल अभी भी चल रहे हैं। जो ट्यूबवेल इज अ स्टोर्ड वाटर, जो आप बचा के रख सकते हो किसी बुरे वक्त के लिए। वह पैसा वेस्ट, पानी वेस्ट, दो चीजें। राइट हैंड डजंट नो व्हाट द लेफ्ट इज डूइंग। दिस इज अ सिस्टम जहां पे जनता को, खासतौर पे हमारे विद्यार्थी जो मेरी ऑडियंस है 9th, 10th, 11th, 12th, यही है भारत का फ्यूचर, यही बच्चे हैं हमारे भविष्य के वाइस चांसलर और प्रोफेसर, और गगन गुप्ता की जगह वही बैठेंगे यहां पे एनसीईआरटी में आके। सो बच्चों प्लीज इस भविष्य को आज संभाल लीजिए, आप ये पानी को संभाल लीजिए आप, अदरवाइज ये राजस्थान वालों से अक्ल ले लीजिए थोड़ी सी। ये अगर खरे खासे जी रहे हैं और बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट हमारे देश का अगर राजस्थान अभी भी है और वहां पे जो हमारे मेहमान हैं हम उनकी खातिर अभी भी कर सकते हैं। ये देखिए ये नारी 4-4 किलोमीटर से पानी ला रही है। ये वाला थोड़ा सा तरस खाएं, थोड़ा सा सीखें, थोड़ी सी इस तड़प को समझें, इसको महसूस करें अपने दिल में कि क्या होता है घर में नल का ना होना और पानी का लाना क्या होता है। बड़े कष्ट की बात होती है। और जब पानी आता है और हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक तरफ कर देते हैं, कॉशन कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होती, तो ये होता है जो पानी विध्वंस भी करता है। और इतना सारा पानी आता है फिर भी हम पानी से महरूम हैं। ये पानी का तांडव आपको फटाफट जरा दिखा दूं, क्योंकि ये बातें मैं एक्चुअली हैजर्ड्स की टॉक में कभी दोबारा से करूंगा। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं, पानी इज अ ग्रेट फॉर्मेटिव एजेंट ऑफ द लैंडस्केप ऑफ द अर्थ। फ्लैश फ्लड्स एंड स्लो इरोजन, ऑल दिस गोज ऑन एंड ऑन थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री। एंड ये होता है जब पानी, ढेर सारा पानी आता है, हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। इवन स्टोरिंग द कैपेसिटी, स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स इज लिमिटेड। आपको, आप जितना मर्जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लीजिए, वो एक लिमिट है जिसके बियॉन्ड आप नहीं कर सकते। ये पूरी की पूरी लैंडस्केपिंग हिमालय की जो हुई है पिछले
10 मिलियन ईयर्स में लगभग हुई है। ये नदियाँ स्पीति रिवर, ये देखिए क्या लैंडस्केपिंग करती हैं। एक नदियाँ, कुछ नदियाँ दिखा, अभी मैं आपको कुछ ग्लेशियर्स दिखाने वाला हूँ। ये मैंने यहाँ पे काम किया हुआ इन एरियाज में, जिस किताब का जिक्र किया था गगन जी ने, वो किताब की से ये तस्वीरें हैं हमारी। ये बड़ा शिगरी ग्लेशियर, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल, स्पीति रिवर, लद्दाख। ये जो फीचर्स हैं, दो स्लाइड्स हैं चेक रिपब्लिक की, ये पानी जो टपकता है उसमें वो चूने का पत्थर, उसमें सॉल्यूशन उसका होता है, और वो जो टपकते हुए इवेपोरेट होता है जो सीलिंग से आता है स्टेलेक्टाइट। ये फीचर्स, ये सारी की सारी पानी की बनाई, पूरी की पूरी जादूगिरी जो पूरी धरती के लैंडस्केप पे हुई है ये हवा और पानी ने मिलकर की है। ग्राउंड स्टेलेगमाइट और स्टेलेग्राइट कनेक्ट हो जाते हैं, ये पूरी की पूरी देखिए टपक रहा है पानी, वो टपकते पानी ने ये छोड़े हैं और ये बाद में ऐसे बड़े हो जाएंगे। किन्नर कैलाश, ये ग्लेशियर्स टेम्पररी होते हैं, आइस कैप भी टेम्पररी है, ये हमेशा नहीं थे और हमेशा नहीं रहेंगे। इवन स्पीति रिवर हाई अल्टीट्यूड में इसका पानी भी पीने लायक नहीं रहा है, इतना टूरिस्ट जाता है, वो सारा मलमूत्र वहीं जाता है। सोमरेरी झील, कोई भी झील, कोई भी नदियां में अब पानी पीने वाला नहीं रहा, आप पीजिएगा इसको तो डायरिया होगा। नैनीताल, पूरे शहर का मलमूत्र इसी झील में आता है, फिर ये प्रोसेसिंग होके आप इसको मेरे पास 2-3 मिनट अभी, 2 मिनट सर, 2 मिनट, देयर आर सम क्वेश्चंस, आई एम एट द एंड ऑफ इट, ये अगेन आई एम डन विद इट। जस्ट कुछ झीलें आपको मैं दिखाना चाह रहा था, जो ये हमारी चंडीगढ़ की झील है, और दिस आइल एंड हियर द वाटर साइकिल, ये एकेडमिक्स के लिए है, और ये वाला वाटर साइकिल देखिए आप थोड़ा सा प्लेफुल बनाया है, ये बच्चों को समझाने के लिए कि पानी का पूरा ताना बाना धरती पे कैसे चलता है। तो हियर आई एंड, पानी पृथ्वी का खून है, इसे यूं ना बहाएं। ये तस्वीर जो ऊपर है आप यकीन मानिए ये मेरी अपनी यूनिवर्सिटी की है, पाइप फट गई पानी की और हमारे इंजीनियर्स को पता ना लगा, पूरी सड़क पे नदियां बन गई। तो पानी बहने से पहले, वेस्ट होने से पहले बहुत से संकेत होते हैं, पानी सड़कों को भी तोड़ता है एक्सेस, और पानी घरों को भी तोड़ता है। घरों में अक्सर पाइपें फटी होती हैं, 10-10, 20-20 साल पानी उनमें रिसता है, जब भूचाल आएगा जो गीले घर हैं वो सबसे पहले टूटेंगे। यही थी मेरी बातचीत, पानी को बचाइए, अपने घरों को बचाइए, अपनी सड़कों को बचाइए, अपने शहरों को बचाइए, अपनी आने वाली पीढ़ी को पानी के स्ट्रेस से रोकिए, और उससे अगली पीढ़ी को पानी के पोल्यूशन से, एक्सटिंक्ट होने से बचाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर आलूवालिया, सुनकर मज़ा आया और लगा ही नहीं कि कब ख़त्म हुआ प्रोग्राम, लेकिन समय की सीमा है। कुछ सवाल मैं जल्दी से पूछूं, एक दो कुछ आपने शुरू की, आपने शुरुआत बात की कि धरती की कहानी से, पृथ्वी की कहानी से, और कुछ डाटा दिया कि रफली 4.6 बिलियन ईयर्स। यस, आपने कहा अपने उद्बोधन में कि पानी किस तरह से आया, इस पर चर्चा हम बाद में, लंबी चर्चा है, एक सब्जेक्ट है पूरा, लंबी चर्चा है। यस, बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि ये पानी हमारा शायद नेसेंट नहीं है पृथ्वी का, ये दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से आया है, शायद पूरा वैसे नहीं आया, शायद पूरा बस, यस, इस पर पूरा शर्तिया नहीं आया, जब मिनरल्स फॉर्म हुए हैं तब वहां से पानी रिलीज हुआ, तब वहां से रिलीज हुआ, यस यस। तो हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन एटम बना, फिर ऑक्सीजन बना, फिर टेम्परेचर इतना होता, वो सब एक अलग चीज़ है, मैं मेरा सवाल वहाँ नहीं है, मेरा सवाल यह है। तो सवाल यह है कि जब सेलेस्टियल इवेंट्स का हमारे धरती पर पानी पर असर पड़ा है, पानी आया, पानी का सब चीज़ों पर असर पड़ा है, हमारी सारी सारी टोपोलॉजी पर असर पड़ा है, ज्वार भाटा आज भी हम देखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के मोशन से है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में, कुछ वर्षों में, जैसे कि हम सन की लाइफ निकालते हैं, अर्थ की एज निकालते हैं, एक आपने नोबेल लॉरेट का उदाहरण दिया कि अगर प्रेजेंट सिस्टम पर पोल्यूशन चला तो लगभग 100 बरस की लाइफ है, तो क्या इस सेलेस्टियल इवेंट्स का भी यहाँ पर पानी, इस वाटर मॉलिक्यूल की नेचर पर कुछ अंतर है, क्योंकि ये बात 100-200 साल की नहीं है, ये बात बिलियंस ऑफ ईयर्स की है। नहीं,
इतनी लंबी नहीं, नहीं आदमी के जीवन के लिए नहीं, पानी के मॉलिक्यूल के लिए। मेरे ख्याल इसका जवाब आपके पास ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, पर मैं इतना कहूंगा कि बहुत सा पानी हमारी धरती का अपना है, क्योंकि जो इतना हॉट गैसेस थी जो शुरू में इट वॉज अ मोल्टन बॉल ऑफ अर्थ, यस, गैसेस से लिक्विड लिक्विफाई हुआ, तो वो तो हमारा एक इंडिजिनस था इस प्लेनेट का, उसमें एडिशन कॉमेट से हो सकता है, पर टोटल होलसेल ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड द प्लेनेट एज अ जियोलॉजिस्ट मुझे उसकी संभावना कम लगती है, बाकी पता नहीं लगता। यस यस, दिस इज आंसर फ्रॉम जियोलॉजिस्ट, आई वाज लुकिंग फॉर दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। दोस्तों साइंस अभी बहुत कम जानती है, आप देख लीजिए किस तरह के डिस्कशन से हम बात कर रहे हैं। मुझे याद है डॉक्टर अलवालिया साहब, एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था जिसका जवाब आज भी मेरे पास पूरा नहीं है, लेकिन समय के साथ ग्रो करते हैं हम, कि ऑन व्हाट बेसिस डू यू से दैट लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट अर्थ। This was the question. On what basis do you say? So that I mean that this was a question which was coming in genesis of that where the life is. So by answer which I could not deliver at that time, but over the time I could find out the reasons that the kind of life which we know today is based on a wonder molecule called H2O, that's water. किसी ने नहीं कहा है कि हो सकता है कि किसी और दूसरे प्लेनेट पर कहीं और किसी और दूसरे मॉलिक्यूल उनके लिए उस लाइफ के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जितना कि पानी हमारे लिए है। वो तो एक थ्योरेटिकल कंजेक्चर है, बट सच्चाई ये है कि अर्थ जैसी पोजीशन में ढेर सारे प्लेनेट सिर्फ वो दूर बहुत हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है। यस यस, बहुत सारी गैलेक्सीज में हमको बातचीत नहीं हो पा रही, बल्कि हमें अपनी ही मिल्की वे गैलेक्सी में ही इस तरह के प्लेनेट्स कई सारे और नजर आते हैं। हम जियोलॉजिस्ट से गेस करते हैं हो सकता है किसी प्लेनेट पे अभी भी डायनासोर जिंदा, और हो सकता है कोई ऐसा प्लेनेट हो जहाँ पे हमारे जैसे आगे चले गए हों। तन्वी के पास कुछ बच्चों के सवाल हैं सर। पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, राइट? यस यस, ये क्यों ना होगी। हाँ बिल्कुल, जब संख्या इतनी है जी, प्रोबेबिलिटी हर चीज की है, तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं है कि खाली एक पिद्दी सी एक धरती पे ये होगा, बाकी जगह नहीं होगा। जी बिल्कुल सर, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछेंगे और फिर से रैप अप करेंगे। जैसे कि आपने एक अपनी स्लाइड में बताया था कि पोल्यूटेड वाटर इज़ अ कर्स, इट डेफिनेटली इज़, हम मानते हैं इसे, पर हम आज 2023 में इसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, हम आज ग्लोबल वार्मिंग के स्लोगन्स क्यों लगा रहे हैं और सब लोग इकट्ठा होकर एनवायरमेंट कर रहे हैं, जब रिवर्स में केमिकल्स डाले जा रहे थे, जब इंडस्ट्रीज उसमें रेजिड्यू डाल रही थी, तब क्यों किसी ने नहीं बोला, तब क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया? ऑब्जेक्शन हमेशा उठा और तब भी नहीं सुना, और अफसोस की बात तो यह है कि आजकल भी कौन सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। और रही साहब, आपको पूरी दुनिया सुन रही है, बच्चे सुन रहे हैं, आपकी बात को मानेंगे। इसीलिए उन बच्चों को कह रहा हूं कि जो सिस्टम है इसको सुनने की आदत नहीं है, इसको सुनाने का तरीका आपके पास है, आपके पास ज्ञान है, जनचेतना है, पूरे गांव को समझा दीजिए कि हमारा भट्ठा बैठाया जा रहा है, हमें जहर हवा से और पानी से पिलाया जा रहा है, बिल्कुल हमें ये नहीं लेना है, एंड वी से नो टू इट। सर जैसे आपने कहा कि हमें कोई नहीं सुन रहा।